वो राजा जो राजा तो था मगध का, पर उसका किला हरियाणा में है। एक राजा जो दुश्मन तो था श्री कृष्ण का, पर उसकी मौत पांडवों के हाथ हुई। वो राजा जो पैदा तो राजा के घर हुआ, पर जिसे जीवन दिया एक राक्षसी ने। और एक ऐसा राजा जिसने क्रूरता में अपने दामाद की विरासत को आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं कि क्यों और कैसे हुई भीम और जरासंध की लड़ाई। वो कौन सा वरदान था जिसने जरासंध को अविजय बनाया, और कैसे भीम ने तोड़ा इस चमत्कार को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। प्राचीन भारत में हमें 16 महाजन पदों का जिक्र मिलता है, जो आपस में महानता की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी कारण हमको इन राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष देखने को मिलता है। महाभारत काल में मगध राज्य एक शक्तिशाली राजा था, जिसने राजा जरासंध ने अपने अत्याचार से अनेक राज्यों को घुटनों पर ला दिया। पर उसके बाद भी उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। उसके इस लालच की भेंट कई छोटे छोटे राज्यों को चढ़ानी पड़ी। मगध के राजा जरासंध ऐसा ही एक क्रूर शासक था। जरासंध मगध का राजा बृहद्रथ के बेटे थे। दरअसल उनका विवाह काशीराज की दोनों बेटियों से हुआ था, पर कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई। तब ऋषिचंड कौशिक ने उन्हें एक दिव्य फल दिया, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति हो सके। पर राजा बृहस्पत ये नहीं समझ पाए कि वह फल वो कौन सी रानी को दे। आखिरकार उन्होंने फल को दो हिस्सों में काट दिया और दोनों रानियों को आधा आधा फल दे दिया। फलस्वरूप दोनों रानियों ने बच्चे के आधे आधे संतान को जन्म दिया। ऐसा बच्चा देखकर राजा ने उसे खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। राक्षसी जरा गुजर रही थी, जिसे इंसानी मांस बहुत पसंद था। इंसानी शरीर देखकर उसने बच्चे के दोनों हिस्सों को पकड़कर जोड़ दिया, जिससे उसे ले जाने में आसानी हो। पर शरीर जुड़ते ही बच्चा रोने लगा, और उसके रोने की आवाज सुनकर महल की सेविकाएं वहां पहुंच गई और उसे अपने साथ ले गई। जरा नाम की राक्षसी द्वारा सिलने या सीधने के कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। जरा के आशीर्वाद से जरासंध का शरीर कटकर अपने आप जुड़ जाता था। अपनी इस ताकत का फायदा उठाकर जरासंध ने सभी छोटे बड़े राजाओं को हराकर उन्हें अपने यहाँ बंदी बना लिया। साथ ही उसने अपनी बेटियों की शादी कंस से करवाई, जो अपने आप में एक बेहद क्रूर राजा था। जब जरासंध को सूचना मिली कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, तो जरासंध कृष्ण के जन्मजात दुश्मन बन बैठे। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया था, और हर बार वे कृष्ण से हार गए हैं। उसने शाल्व, शिशुपाल और दंतवक्र के साथ मिलकर कृष्ण के खिलाफ सेना भी खड़ी की। उसी के आतंक से मथुरा के निवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका ले गए। लेकिन अब उनके सामने एक दुविधा आ गई थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद युधिष्ठिर वहां राजसूय यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे, पर मुश्किल ये थी कि आधे से ज्यादा शासक इस समय जरासंध की कैद में थे, जिनकी स्वीकृति के बिना ये यज्ञ करना मुश्किल है। ऐसे में श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाया कि मानवता की भलाई के लिए राजाओं को कैद से छुड़ाना और जरासंध का वध दोनों बहुत जरूरी है। यही सब विचार कर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण भीम को लेकर मगध गए। यहाँ उन्होंने तपस्वी का रूप रखा और राजा के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जरासंध ने जब पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो भीम ने कहा कि वो उनसे युद्ध करना चाहते हैं। ये सुनकर जरासंध ये तो समझ गया कि वे ब्राह्मण के वेश में कोई क्षत्रिय है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने भीम के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। तय वक्त पर दोनों ने युद्ध करना शुरू किया। 3 दिनों तक दोनों ने भयंकर मल्ल युद्ध किया। फिर भीम ने जरासंध को उठाकर उसके शरीर को चीर दिया, पर आश्चर्य से वो शरीर तुरंत आपस में जुड़ गया। भीम बार बार जरासंध का शरीर उखाड़ देते और हर बार वो वापस जुड़ जाता। तब श्री कृष्ण ने भीम को एक इशारा किया। उन्होंने घास का एक तिनका लेकर उसे 2 हिस्सों में चीर दिया और फिर उन्हें विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का इशारा समझ गए थे। उन्होंने फिर से जरासंध को चीर दिया, पर उनका शरीर इससे पहले के आपस में जुड़ता, भीम ने उन्हें हवा में उड़ाते हुए दूर दूर फेंक दिया। जरासंध का शरीर नहीं जुड़ पाया और वह वही मर गया। इस जगह श्री कृष्ण और पांडवों की जय जयकार होने लगी। सभी कैदी राजाओं को छुड़ा लिया गया और वो सब युधिष्ठिर के सहयोगी बन गए। जरासंध के बेटे को गद्दी पर बिठाकर पांडव और कृष्ण वापस चले गए।
इस तरह श्री कृष्ण के एक इशारे से हुआ दुष्ट जरासन का खात्मा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।